आज का जो हमारा टॉपिक है वह है धार्मिक सामंजस्य यानी रिलीजियस एडजस्टमेंट। तो इससे पहले था हमारा कि जो एक वैवाहिक सामंजस्य होता है उसमें व्यक्ति को हर पहलू पर एडजस्टमेंट करना होता है, चाहे उसमें वो फैमिली हो या फैमिली मेंबर्स हो, यानी कि जो फैमिली मेंबर्स होते हो, या फिर वो सामाजिक स्तर से उसको एडजस्टमेंट करना हो, या फिर उसके जो सांस्कृतिक रूप से करना हो, आर्थिक रूप से करना हो, तो इसी तरह धार्मिक सामंजस्य है। तो देखिए, इसमें वैवाहिक जीवन में धार्मिक सामंजस्य के दो रूप हो सकते हैं, जिसपे पहला है कि पति पत्नी अलग अलग धर्म के होते हुए भी एक दूसरे के धर्म को न माने, लेकिन एक दूसरे के धर्म के प्रति आस्था रखे और विरोध न करे, यानी कि भले ही दोनों व्यक्ति अलग अलग धर्म से हो, लेकिन और चाहे वो एक दूसरे के धर्म को न मानते हो, लेकिन वे एक दूसरे के धर्म के प्रति आस्था रखे और उस धर्म का विरोध न करे, और साथ ही कि जो व्यक्ति या दूसरा लाइफ पार्टनर है उसका, उसके जो धर्म है उसके धर्म को महत्व दे। तो पति अपने धर्म के अनुसार धार्मिक कार्य को संपन्न करे और पत्नी अपने धर्म के अनुसार, दोनों ही अपने अपने धर्म के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर ऐसी स्थिति ना हो या एक दूसरे की धर्म को न भले ही न माने लेकिन उसके प्रति आस्था रखे या विरोध न करें, लेकिन अगर इस कंडीशन में अगर विरोध किया जाता है तो क्या होता है कि वहाँ एडजस्टमेंट नहीं हो पाता, यानी कि असामंजस्य उत्पन्न होने लगता है, जहाँ पर क्या होता है कि या तो दोनों की कह सकते हैं एक तरीके से गृहस्थी में खराब होने लगती है, या फिर जो एक परिवार का जो परिवार में लोग जो व्यक्ति होते हैं उनका व्यवहार में बदलाव आने लगते हैं। तो दोनों ही एक दूसरे को समझे और दोनों ही एक दूसरे के धर्म के प्रति आस्था रखे, एक तभी एक सही परिवार में एक सही एडजस्टमेंट होता है, या कह सकते हैं कि एक सही जो नया परिवार की स्थापना करते हैं तो व्यक्ति तभी एक सही एडजस्टमेंट माना जाता है। तो दोनों ही एक दूसरे के धार्मिक आयोजनों में भाग ले तथा एक दूसरे का सहयोग करें, तभी एक सही एडजस्टमेंट हो पाएगा। दूसरा है कि धार्मिक सामंजस्य का दूसरा रूप यह है कि एक ही धर्म के मानने वाले पति पत्नी होते हुए भी एक धार्मिक प्रकृति का हो और दूसरा धर्म में विश्वास न रखने वाला हो, यानी कि भले ही दोनों व्यक्ति एक ही धर्म से संबंधित हो, लेकिन क्या होता है कि एक व्यक्ति उसमें धर्म की प्रकृति यानी कि उस धर्म को मानता है, चाहे वो जिस भी धर्म में उस भगवान को मानता है, उसमें चाहे वो किसी भी प्रकार की पूजा हो, उससे संबंधित नियम हो, सभी को अपनाता है, मानता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो होता है, दूसरा व्यक्ति उस पर विश्वास नहीं रखता या उन रीति रिवाजों को नहीं अपनाता। तो ऐसी स्थिति में भी सामंजस्य स्थापित करने के लिए जो क्या होता है कि जो नास्तिक होते हैं उसे आस्तिक व्यक्ति के धार्मिक विचारों को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, यानी कि मतलब ये है कि क्योंकि जो व्यक्ति कह सकते हैं कि धर्म में विश्वास नहीं रखता, भले ही वो धर्म में विश्वास नहीं रखता, लेकिन उसको जो व्यक्ति विश्वास रख रहा है उसके विचारों को भी कोई ठेस या उसके बारे में कोई बुरी बातें या उनके धर्म से रिलेटेड भी कोई बुरी बातें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि इससे असामंजस्य उत्पन्न होता है। तो दोनों ही उस व्यक्ति को उसकी आस्था में किसी भी प्रकार का ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, भले ही वो उस चीज़ में या उस धर्म में विश्वास ना रखता हो। तो दोनों ही को ही अपना अपना एडजस्टमेंट रखना होता है, तभी एक सही सामंजस्य स्थापित हो पाता है। फिर आता है हमारा पारिवारिक जीवन चक्र यानी कि लाइफ साइकिल, सॉरी फैमिली लाइफ साइकिल। तो विवाह के पश्चात नव दंपत्ति नए परिवार की स्थापना करते हैं, क्योंकि देखिए विवाह एक सामाजिक और सार्वभौमिक संस्था है जिसमें समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और जिसमें व्यक्ति अपने नए पारिवारिक जीवन में प्रवेश करता है। तो प्रारंभ में ये थोड़ा दो बार लिखा गया है कि प्रारंभ में यह केवल दो व्यक्तियों तक ही सीमित होता है, क्योंकि दोनों ही नव दंपत्ति का विवाह होता है, फिर संतान, क्योंकि देखिए विवाह के उपरांत विवाह के बाद उसमें संतान उत्पन्न होती है, तो फिर संतान द्वारा इस परिवार का विस्तार हो जाता है, यानी कि फिर संतान उत्पत्ति के बाद वो परिवार बड़ा हो जाता है, यानी कि उसका विस्तार होने लगता है, और अंत में जब पति पत्नी संतान के दायित्व से मुक्त हो जाते हैं, यानी कि वे अपनी संतानों की एजुकेशन हो, पालन पोषण हो, उनका विवाह, हर चीज़ से जब वे मुक्त हो जाते हैं, तो परिवार पुनः संकुचित यानी कि परिवार फिर से छोटा हो जाता है, क्योंकि
वे क्योंकि वे अपने हर उत्तरदायित्व को निभा चुके होते हैं, तो वे व्यक्ति अपने क्योंकि वे अपने सभी कार्यों से मुक्त हो जाते हैं, तो उनका परिवार फिर से छोटा हो जाता है, यानी कि संकुचित होकर दो वृद्ध दंपतियों तक ही सीमित रह जाता है। प्रत्येक परिवार जीवन चक्र की इन तीनों अवस्थाओं से गुजरता है। तो ग्रॉस एंड कैंडल के ने अनुसार परिवार दो संबंधित युवा व्यक्तियों से प्रारंभ होता है, यानी कि नव जो नए नव दंपत्ति होते से शुरू होता है और अपनी विस्तृत अवस्था में यह वृद्धि करता है, यानी कि विवाह के उपरांत जब यानी विवाह के बाद जब संतान उत्पत्ति होती है, वो बड़े होते हैं, उनका पालन पोषण किया जाता है, उनको शिक्षा दी जाती है, वे अपने एक गृहस्थ सुखी परिवार में रहते हैं, यानी कि वो वहाँ पर विस्तृत अवस्था में वृद्धि करते हैं और अंत में वे दो वृद्धियों के रूप में पुनः आ जाते हैं, क्योंकि जब वे अपने संतानों का पालन पोषण अच्छे से कर चुके होते हैं, उनको अच्छी शिक्षा दे चुके होते हैं, उनके बच्चों का जब विवाह हो चुका होता है या वे अपने आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाते हैं, यानी कहीं नौकरी के लिए बाहर चले जाते हैं या उनका विवाह हो जाता है, तो उनका एक नया परिवार बन जाता है, तो फिर से वही अंत में दो वृद्ध व्यक्तियों के रूप में पुनः आ जाता है। तो जो एक फैमिली लाइफ सर्कल होता है या साइकिल होता है, तीन अवस्थाओं से होकर के गुजरता है, जिसमें वो पहले शुरुआत में दो व्यक्तियों से शुरू होता है, बाद में वो विस्तृत अवस्था से गुजरता है और अंत में वो संकुचित हो जाता है, यानी दो व्यक्ति वृद्ध व्यक्तियों तक आकर के रुक जाता है परिवार। फिर आता है पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं होते हैं, यानी कि डिफरेंट स्टेज ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल। तो बिगलो ने पारिवारिक जीवन चक्र को तीन अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है, तो जिसमें पहली अवस्था यानी कि जो फर्स्ट स्टेज होती है प्रारंभिक परिवार, तो यह परिवार जीवन की प्रथम अवस्था होता है, ऐसे परिवार की स्थापत्य काल भी कहा जा सकता है, यानी कि क्योंकि इस अवस्था में स्त्री व पुरुष के पश्चात नए परिवार की स्थापना होती है, यानी कि विवाह उपरांत यानी विवाह के पश्चात संतान उत्पत्ति होती है, जिसमें उनके परिवार की शुरुआत होती है या जो परिवार में सदस्य की संख्या बढ़ने लगती है, तो यानी परिवार का एक तरीके से विस्तार होने लगता है। तो परिवारों स्थापना होती है, परिवार की स्थापना होती है, परिवारों व संस्कृतियों में आए हुए नए नव दंपत्ति नए परिवार के स्थायित्व के लिए अपनी रुचियों मूल्यों अभिवृत्तियों कार्य करने के तरीकों आदि में परिवर्तन कर स्वयं को एक दूसरे के अनुरूप बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति एक ही समाज का हो या दोनों ही व्यक्ति एक समाज के हो या दोनों ही व्यक्ति का धर्म एक हो या रुचि एक हो विचार एक हो, तो कुछ ना कुछ क्या कह सकते हैं कुछ ना कुछ दोनों में अंतर होता है, कहीं ना कहीं पसंद नापसंद में थोड़ा सा अंतर आने लगता है। तो नया जो नव दंपत्ति होता है अपने परिवार के स्थायित्व के लिए यानी कि उसकी मजबूती के लिए वो अपनी जो रुचियाँ होती है उनकी जो अभिवृत्तियाँ होती है या कार्य करने के तरीके, क्योंकि देखिए हर किसी का कार्य करने का तरीका अलग होता है, लेकिन जब एक विवाह हो जाता है तो विवाह को एक मजबूती देने के लिए उसको सुदृढ़ बनाने के लिए अपने परिवार को एक गृहस्थ परिवार बनाने के लिए वो उनमें क्या करता है अपने कार्य करने के तरीके आदि में वो परिवर्तन करता है और स्वयं को एक दूसरे के अनुरूप बनाने का प्रयास किया जाता है और आजीवन एक दूसरे के साथ निभाने का संकल्प भी लेते हैं। तो इस समय क्या होता है कि इस समय पति पत्नी के विचारों और मूल्यों में विभिन्नता होने के कारण वैवाहिक सामंजन की समस्या उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि देखिए जब दोनों ही व्यक्तियों के विचार हो या उनकी रुचियाँ हो या उनके मूल्यों में जब विभिन्नता हो जाती है, यानी कि हर व्यक्ति का सोचने का कार्य करने का तरीका अलग अलग हो जाता है, यानी कि वहाँ पर दोनों के कार्य करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग हो जाता है, तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ असामंजस्य उत्पन्न होने लगता है। वहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि दोनों में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं या कई बार ऐसा होता है कि गृह क्लेश की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। तो पति पत्नी एक दूसरे को जानने और समझने का प्रयास करते हैं ताकि जो उनका वैवाहिक जीवन है एक वो सफल वैवाहिक जीवन बने और उनका जो परिवार है वो अच्छा सुखद परिवार बनता रहे। तो दोनों को ही एक दूसरे की
एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की आदतों को समझना, एक दूसरे को या कोई भी कार्य करने की शुरुआत हो तो उस पर दोनों को ही एडजस्टमेंट रखना होता है, या एक दूसरे की जो रुचि है पसंद हो, एक दूसरे की रुचि पसंद को महत्व दिया जाए तो वह एक सही एडजस्टमेंट बन पाता है। तो अतः परिवार की प्रारंभिक अवस्था समायोजन की अवस्था कहलाती है, क्योंकि देखिए अगर व्यक्ति इस अवस्था में समायोजन कर लेता है, एडजस्टमेंट कर लेता है, तो उसका जीवन जो होता है वो सुखद जीवन बन जाता है और जो गृहस्थी होती है वो एक अच्छी गृहस्थी बन पाती है। तो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर कंप्लीट हो गया, लेकिन ये जो टॉपिक है ये आगे मैं कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट वीडियो में।